Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. Deep, वो मामा के discharge paper ready है. आपको बस sign. हाँ मैं देखती हूँ. ठीक है मैं बाकी के paperwork करके आता हूँ. दीप सारे सोसाइटी वाले रेयांश और जीजू के फाइट के बारे में बात कर रहे थे अचानक से ये सब और आप ऐसे मैं ठीक हो जा रही थी दीप आप जानते हो ना आप अपनी जैग से कुछ भी शेयर कर सकते हो थी अब मैं बड़ी हो गई हूँ कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ अब बताओ क्या हुआ जागृति वो कल आज मैं सच सामने ला के आऊंगा अच्छा जीजू दीप वो ऐसा कैसे कर सकते हैं आई कैन नॉट बिलीव दिस दीप उनके जैसा लड़का वो तो आपके प्यार में पागल थे ना शायद वो प्यार अब खत्म हो गया जागृति पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे ये सब सच नहीं है कुछ तो है जो जय मुझसे छुपा रहा है कुछ तो है जागृति मतलब पता नहीं क्या पर कुछ तो है कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता है पर शायद मैं अब भी ये शादी बचाना चाहती हूँ दी आप टिपिकल शादीशुदा लेडीज की तरह बात कर रहे हो इतना सब होने के बाद आप जय जीजू पर कैसे भरोसा कर सकते हो शायद मजबूरी गलती को मजबूरी का नाम दे रहे हो आप नो वंडर रेयांश ने जय जीजू को क्यों मारा क्योंकि उनसे आपका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ होगा रेयांश कहीं फिर से जय और ये लड़ ना जाए रेयांश मैंने कहा था ना तुमसे मैं संभाल लूंगी मुझे आंटी के एक्सीडेंट के ऊपर बहुत बड़ा क्लू मिला क्या थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल ठीक है तो अभी अगर तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो गया है तो जाओ यहाँ से रेयांश जय रेयांश मॉम के केस में हेल्प कर रहा है इसीलिए वो यहाँ है हाँ मुझे ही करना होगा वरना कुछ लोग तो हैं जिन्हें दारू पी के होश ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना जी जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कुछ? जय मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारे लिए बोझ बन गई है पर मैं मम्मा को भी और स्ट्रेस नहीं देना चाहती तो क्या हम उनके लिए थोड़े टाइम तक हैप्पी हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर सकते हैं जय डैडी भी यहाँ नहीं है और मैं सब कुछ ओके जय क्या तुम सच में ये शादी खत्म करना चाहते हो और प्यार क्या तुमसे करती हूँ मैंने यार चाहे ना भी हो क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो नहीं आराधना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा ना ही अपनी किसी गलती पे पर्दा डालना चाहता हूँ मैं सच यही है कि मैं बानी के लिए फील करने लगा और वो भी मेरे लिए सेम फील करती है जो शायद तुम मेरे लिए कभी नहीं कर पाओगे सो दोनों तरफ से यही फीलिंग है सो आई नो ठीक है पर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम बानी के साथ खुश हो और जिंदगी में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो जय बस एक बार मेरी आंखों में देख कर कह दो बोलो
चलते हैं। हमें दिन रात मम्मा को मॉनिटर करना होगा। अभी मम्मा का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। मतलब हाथ वगैरह हिला सकती हैं, इशारा कर सकती हैं? बोल भी नहीं सकती, कुछ समझ सकती हैं? हाँ आंटी, वो सब समझ सकती है। देखना आप, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, let's sleep, let her rest, come. तो यहाँ अब किसे मारने आए हो? वो काम मेरा नहीं है, अभी तो मारने वाले का पता लाया हूँ आंटी। पता चलिए। मुझे आप सबको भक्ति आंटी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना। इतना सब कुछ हो गया और ये फिर भी छोके। मां हेल्प करना चाहता है, करने दीजिए। बोलिए आंटी। अरे इनकी हालत तो देखो आंटी, आप पहचान सकती हैं? आंटी मैं जानता हूँ, आपको सब पता है। पहचानी आंटी? एक बार पहचानी, ये था क्या हरकत है रेयांश? क्या कर रहे हो? बस आराधना, थोड़ा टाइम दो, अभी सब साफ साफ पता चल जाएगा। बोलिए आंटी। आंटी मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने आपकी ये हालत की है, पर आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आंटी एक बात बताइए, जब आराधना का बीपी लो होता है और वो गुलाब जामुन खाती है तो आप कैसे इशारा करते हो? या जैक्स, जब जैक शरारत करती है तो आप उसे कैसे देखते हो? बस आंटी एक इशारा दे दो, जस्ट वंस। आंटी बस एक बार देखिए, बताइए आंटी वो इंसान इस रूम में है? क्या बोल रहे हो तुम रेयांश, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट आराधना, बोलिए आंटी क्या इंसान इस रूप में है? इसका मतलब आंटी जैक की तरफ इशारा कर रही। आंटी बताइए, गाड़ी व्हाइट कलर की थी और उसमें जय था? क्या आपने जय को देखा था उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे उनकी हालत तो देखो, ये लड़का यहाँ पर आकर कुछ भी बोले जा रहा है और मेरे जय पे सारे इल्जाम लगा रहा है। बस रेयांश बहुत हो गया, प्लीज अब जाओ यहाँ से। मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम इसमें भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहे हो। पर मैं उनसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुमने देखा नहीं कैसे इशारा किया? कोई इशारा नहीं किया उन्होंने रेयांश, तुम्हारा वहम था। आराधना तुम नहीं जानती हो, बहुत बड़ा स्कैम है, ऑलराइट? और आंटी सबके बारे में जानती है, वरना किसी क्या दुश्मनी हो सकती है आंटी के साथ? ये सब जय ने किया है, जय इज अ किलर। मुझे गाड़ी का नंबर मिल चुका है,
और वो कार जय खुराना के नाम पर रजिस्टर्ड। परुण, ये चाबी इस बार काम पूरा हो जाना चाहिए। और सुनो, ख्याल रहे, क्योंकि रोड्स पे बहुत सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तुम्हारा चेहरा कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। डोंट वरी मॉम, किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट किसने किया है, और करवाने वाले हम हैं। हाँ, और एक बात, जैसे ही काम हो जाए ना, तुरंत यहाँ पे चले आना पार्टी में, ताकि किसी को शक ना हो। ओके, श्योर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो तुम ये कहना चाहते हो कि भक्ति आंटी का एक्सीडेंट जय ने किया है? Yes. क्योंकि कार जय के नाम पे है। हाँ, क्योंकि जय शराब के नशे में धुत था। हम सब ने उसे हॉस्पिटल में ड्रंक हालत में देखा है, और वो घर पे था नहीं। Your kind information, उस दिन मैं घर पे ही था। तू घर पे था, लेकिन उसके बाद तू शराब पी के वहां से निकला, और उसी शराब के नशे में तूने भक्ति आंटी पे गाड़ी चला दी। कमाल है यार, अपनी खुद की सासू माँ के ऊपर तूने गाड़ी चला दी। ऐसा कुछ भी नहीं, जय मेरे साथ था। डोंट वरी, तुम पे कोई केस नहीं बनता है जय। ओह या, उसके बाद वो तुम्हारे साथ होटल रूम में था, एंड यू गाइस वर। चलिए माँ, चलते हैं यहाँ से। हमारी बातों पे किसी को भरोसा तो है भी नहीं वैसे भी। जब सच्चाई सामने आ गई तो दुम दबा के भाग रहे हो। क्या चाहते हो तुम रेयांश? क्यों पड़े हो जय के पीछे? तो मैं तुमसे वादा किया था कि मैं आंटी के मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा पति परमेश्वर, जिस पे तुम इतना भरोसा करती हो, जय खुराना। बस, और कितनी बेइज्जती करोगे हमारी? आराधना, तुम रात रात भर अपने एक्स के साथ काम करती हो, उसके साथ घर के बाहर रहती हो। हम तो हमेशा विश्वास करते हैं ना तुम पर, और ये आदमी यहाँ खड़े रहकर बकवास किए जा रहा है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन जय, जय ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, और ये कुछ भी बोल रहा है उसके बारे में। मैं जानती हूँ जय ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे जय पर भरोसा है। प्लीज आराधना, तुमने मेरी बात तब भी नहीं सुनी थी जब मैंने तुम्हें कहा था कि जय और मानी का कुछ चल रहा है। रेयांश, प्लीज चुप रहो। तुम इसकी बातें सुन ही क्यों रही हो आराधना? बस इसलिए कि इसने तुम्हारे माँ के हॉस्पिटल के बिल्स पे किए। मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया है, पर वो कोशिश तो कर रहा है ना। जाने दीजिए मैं, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम कहाँ? हमें हमारी पुरानी हवेली की चाबी मिल गई, हम वहीं चले जाएंगे। डोंट वरी अबाउट अस। और आराधना, तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारी आंखों में देख कर कहूँ, तो लो, मैं ये शादी और नहीं निभा सकता। मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। जय बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, वी आर ऑल अ फैमिली। और आराधना इतना कह रही है तो बेटा मान जाओ ना, तुमने शादी की है जय, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे झगड़ा तो चलता रहता है। भक्ति अभी भी जिंदा है, कहीं हमारे जाने के बाद उसने कुछ बोल दिया, अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं, हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। माँ, मैंने सोच लिया। आराधना, जाने दो इसे। क्यों रेयांश? प्लीज रेयांश, पहली मेरी मैरिड लाइफ में तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई, और तुम आज भी यहाँ मम्मा के लिए नहीं, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। आराधना, अब हमें अपने रिश्ते अलग कर लेने चाहिए, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा।
बेटा तू क्या कह रहा है? तुम्हारी शादी हुई है और शादी कोई खेल नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो। चलो थोड़ी देर बाहर चलते, आ जाओ। मैं कभी तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता था, पर तुम टूट रही हो चाय की वजह से। उसने तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, सबको तोड़ दी और तुम अब भी उसके लिए रो रही हो। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ड्रग्स स्कैम की डेस में डॉक्टर कैसे पकड़ा गया? इस स्कैम के पीछे तो जय का हाथ है, वो इन्वॉल्व्ड। ऑलवेज ऐसे ही होता है, जब सही मास्टरमाइंड होता है तो डमीज अरेस्ट हो जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। कुछ दिन केस चलता है, फिर इन पे लगे हुए चार्ज पूरे नहीं होते और फिर केस खत्म, असली मास्टरमाइंड बच जाता। नो, दिस इज नॉट डन। जय खुराना, इस बार मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगा, फिर असली चेहरा सबको दिखा कर रहूंगा। और बाय चांस अगर तू उस केस से बच भी गया ना, तो मैं तुझे उस गुनाह की सजा तो जरूर दूंगा जो गुनाह तूने भक्ति आंटी के साथ किया, जो तू उनसे छुटकारा पाना चाहता था, उन्हें मार देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था। हमारे स्टोर रूम में मुझे ये नकली दवा मिली और उस बॉक्स के ऊपर नाम लिखा था जेक पुराना। बहुत शाना है ना तू, लेकिन बनता इनोसेंट है, समझता है इनोसेंट। अब तेरा सारा पर्दाफाश मैं करूंगा, फिर देखता हूं आराधना तुझे कैसे नहीं छोड़ती। हाँ रेयांश, कहाँ है विक्रम? तुझे जय और उसके पेरेंट्स पे नजर रखने को कहा था ना। क्या, जय और उसके पेरेंट्स? लेकिन रेयांश, तू बस इतना सुन ले, वो लोग समझते हैं ना कि वो बहुत स्मार्ट है, कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे। और वो शान है तो मैं देर शान, वो शेर तो मैं सवा शेर। बहुत बारी पढ़ूंगा मैं। रेयांश तू पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे मैं किसी पे नजर मार सकूं? मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो अभी बहुत कम है। अभी के लिए तू और पूजा आराधना के घर के आसपास रहो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जय और उसकी फैमिली पे नजर रख, भक्ति आंटी को कोई तकलीफ ना हो, 24 घंटे वही रहना। ओके ओके डन, बाय। हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये रिश्ता अब सिर्फ तभी आगे बढ़ेगा जब तुम जाओ। आराधना, अभी तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर एक बार तुम्हें जय की सच्चाई पता चल जाएगी ना, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगेगा कि तुम्हें जय के लिए बुरा क्यों लगा। जय ने जो तुम्हारी मॉम के साथ किया ना, जब वो सच तुम्हारे सामने आएगा फिर तो तुम उससे नफरत करोगे, बहुत नफरत। और फिर तुम्हें पता चलेगी मेरी कीमत, और उसके बाद हम दोनों फिर से एक साथ।
अब लग रहा है आराधना और मेरी लव स्टोरी फिर से शुरू हो रही है, पर इस शुरुआत के लिए मुझे जय का पर्दाफाश करना पड़ेगा। कम ऑन रियांश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।